नजर आ गया रमजान तोहफा हमें मिल गया सुबहान का। अभी इधर फूड कटिंग होगी और उसके बाद यहाँ पे चावल जो है वो बन चुके हैं, आ चुके हैं। हमारा चूंकि ये दस्तरखान का सिलसिला था, ये दस्तरखान जो है इसी तरह हम चाहते हैं कि हम रमज़ान के 30 के 30 रोज़े लगाएं और इंशाल्लाह ये दस्तरखान हम लगा सकते हैं सिर्फ आप लोगों की मदद और डोनेशन की तरफ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें हेल्प। पाकिस्तान से पहली अफ्तारी के साथ आप सबको बताए जा रहे हैं। आज 3 अप्रैल का दिन है और पहली अफ्तारी है हम सब की। आप सब देख सकते हैं रोज़ेदार सारे बैठे हुए हैं अपनी जगह पर। इन माशाल्लाह से यहाँ पे आज 280 से 320 के दरमियान लोग हैं और जो आपकी डोनेशंस और आपकी जो रहमतें हैं और आपकी जो उनकी नेक नीयतें की वजह से ही है लोग यहाँ पे अफ्तारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 30 के 30 दिन हम इसी तरह अफ्तारी कर रहे हैं। देख रहे हैं हम वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग आराम से अफ्तारी कर रहे हैं, सब वॉलंटियर्स खिदमत में मसरूफ़ हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें डोनेशंस दें। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप हमें पैसे डोनेट करें, खजूरें डोनेट करें, हमें देगे डोनेट करें, आप हमें शरबत डोनेट करें ताकि आपकी डोनेशंस जो है हम लोगों को पहुँचा सकें। आप ये लोग जो है ये लोग हमारे और आपके ही मुंतज़िर हैं। हम एक साथ होंगे तभी ये लोग अच्छे तरीके से रमज़ान बाबरकत माह रमज़ान का जो महीना है ये गुजार सकेंगे। तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपील है कि हेल्प मी पाकिस्तान की डोनेशन डिटेल्स देखें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें।